हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे जब भी आप किसी से प्रेम करते हैं तो एक फ्रेज का यूज करते हैं, आई लव यू, या फिर आप किसी को प्रपोज भी करते हैं तो उसी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ ऑल्टरनेटिव ले आए हैं, यानी उस आई लव यू के जगह में आप क्या क्या बोल सकते हैं। तो गाइज, ये फ्रेज जो बार बार बोला जाता है ये थोड़ा अकवर्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग देखेंगे आज 10 मॉडर्न वेज टू से आई लव यू, यानी 10 तरीके से सीखेंगे कि आई लव यू को यूज कैसे करेंगे। यानी फ्रेज आपका कुछ नया होगा, मतलब आपका सेम वही होगा जो आप कहना चाहते हैं। तो हम लोग आज चलते हैं अपने स्लाइड की ओर देखते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट फ्रेज हमारा है आई एडोर यू। एडोर का मतलब होता है जब किसी इंसान से आप खूब प्रेम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, काफी अधिक प्रेम करते हैं, तो यहाँ पर एडोर का यूज किया जाता है। तो आई एडोर यू यानी मैं आपकी पूजा करता हूँ, या मैं आपको बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, इसका मतलब होता है। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है आई एम इन लव विथ यू। इस फ्रेज का यूज तब किया जाता है जब आप किसी के साथ बहुत समय से टाइम गुजारते हैं और उनसे आपको प्रेम हो जाता है, तो आप इस फ्रेज का यूज करेंगे आई एम इन लव विथ यू। इसका अगर हिंदी मतलब देखेंगे तो हिंदी मतलब होता है इसका, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, यानी मुझे आपसे प्रेम हो गया है। काफी अच्छा लगता है, साउंड्स गुड। ओके, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, आई एम इन लव विथ। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है आई गॉट फीलिंग फॉर यू। आई गॉट फीलिंग फॉर यू, जब आप किसी के लिए फील करते हैं, एक एहसास होता है आपको किसी की, तो आप इस फ्रेज का यूज करेंगे आई गॉट फीलिंग फॉर यू। मुझे आपकी फीलिंग महसूस होती है, मुझे आपका फील महसूस होता है। तो इसका हिंदी हो गया, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग है, या मुझे तेरी फीलिंग होती है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखते हैं। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट फ्रेज है अब यू आर माई अदर हाफ। तो गाइज, नेक्स्ट फ्रेज है यू आर माई अदर हाफ। जैसे यहाँ हाफ का मतलब होता है टुकड़ा, तो एक्चुअली टुकड़ा, देखिए जब किसी भी चीज को दो टुकड़ा कर देते हैं, जब भी वो दो टुकड़ा हुआ चीज आपस में मिलता नहीं है, तब तक वो इनकम्प्लीट, यानी वो कंप्लीट नहीं होता है। जब आप किसी को कहेंगे यू आर माई अदर हाफ, तो आप ये कहना चाहते हैं आधा टुकड़ा आप है आधा वो है, जब दोनों टुकड़े आपस में मिल जाएंगे तब आप एक कंप्लीट होंगे। तो इसका हिंदी अगर मतलब देखेंगे, तुम मेरा दूसरा टुकड़ा हो। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, यानी आप ये कहना चाहते हैं आप, यानी तुम मेरे जीवन का एकमात्र प्रेम हो, या प्यार हो, या मेरी दुनिया हो। नेक्स्ट फ्रेज है आपका यू आर माई एवरीथिंग, यानी जब आप किसी से कहना चाहते हैं तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तो इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं यू आर माई एवरीथिंग, तुम ही मेरा सब कुछ हो। नेक्स्ट फ्रेज है आपका यू आर द वन फॉर मी। देखिए, यू आर द वन, ये तुम ही एक हो जो सिर्फ मेरे लिए हो। किसी को आप कहना चाहते हो यानी आप ही एक ऐसा है जो मेरे लिए परफेक्ट है, तभी आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। तो इसका हिंदी मतलब हुआ बस तुम ही हो मेरे लिए, यानी मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो। नेक्स्ट फ्रेज है आई एम इन्फेचुएटेड विथ यू। इन्फेचुएटेड का मतलब होता है मुग्ध, उत्तेजित, यानी मोहित, यानी आप किसी के लिए एक पागलपन जैसा बिहेव करते हैं, यानी ऐसा जैसा वो आपको एक जादू कर दिया हो, आप उनके तरफ खींचा खींचा हुआ चले जाते हो, तब इस वर्ड का यूज करते हैं आई एम इन्फेचुएटेड। आई एम इन्फेचुएटेड विथ यू,
यानी मैं तुमसे मुग्ध हूं, मैं तुम्हारे तरफ मोहित हूं। तो उम्मीद करता हूं ये फ्रेजेस आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।